अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में इंटरनेशनल टेस्ट की वापसी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्रिकेट जोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी मिल जाया करें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में कई सालों बाद इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट वापसी आ रही है। वर्ल्ड टेस्ट लीग के मैचेस की मेज़बानी लाहौर और कराची करेंगे। श्रीलंका ने चैंपियनशिप के दो मैचेस पाकिस्तान में आकर खेलने की हामी भर ली। बांग्लादेश की टीम के पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान हुकूमत के बांग्लादेश हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। वर्ल्ड टेस्ट लीग में 9 ममालिक की टीमें हिस्सा ले रही हैं। वर्ल्ड टेस्ट लीग की चैंपियनशिप 2020 में खेली जाएगी जबकि दूसरी चैंपियनशिप 2021 में खेली जाएगी जिसमें टॉप टू टीमें फ़ाइनल खेलेंगी। पाकिस्तान में कई साल से टेस्ट क्रिकेट बंद है जिसकी वजह पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल थी, लेकिन अब पाक फ़ौज के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद मुल्क की सूरत हाल बिल्कुल ठीक है और अमन कायम हो चुका है, जिसके बाद अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है जिसमें सबसे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के दो मैचेस खेले जाएंगे जबकि मज़ीद मैचेस पाकिस्तान में करवाने के लिए पाकिस्तान हुकूमत की बांग्लादेश के साथ बातचीत जारी है। मैचेस लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।